यूपी के महोबा में शासन के निर्देश पर नए शिक्षा सत्र में प्राथमिक और जूनियर विद्यालय के छात्र छात्राओं को सरकारी भवनों में बेहतर और सुरक्षित शिक्षा देने के उद्देश्य से जर्जर और पुरानी स्कूलों की बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस जर्जर विद्यालयों के ध्वस्तकरण के बाद नए भवनों का निर्माण होने के बाद छात्र छात्राओं को नए भवन में बेहतर और सुरक्षा में शिक्षा मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सरकार के इस कदम का ग्रामीणों ने स्वागत भी किया है। बता दें कि पनवाड़ी विकास खंड के अंतर्गत सिमरिया गांव आता है। गांव के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पूर्व माध्यम विद्यालय का निर्माण कार्य लाखों रुपए की कीमत से कराया गया था। उस समय निर्माण करने वाले शिक्षक वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तकनीकी टीम के द्वारा रिपोर्ट व अधिकारियों के आदेश पर पुरानी बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। अब शासन के निर्देश पर सिमरिया गांव में लगभग 18.5 लाख की लागत से विद्यालय का निर्माण कार्य किया जाना सुरक्षित हुआ है। इस प्रकरण में सबसे पहले शासनादेश से सत्यापन समिति गठित है और उस गठित समिति ने 2019-20 में सर्वेक्षण किया था और सत्यापन करके उन बिल्डिंगों को इंडिकेट किया था जो जर्जर स्थिति में थी, तो उस सूचना भेजी गई परियोजना को और परियोजना से पास हो करके आया। उसमें हमारे 16 विद्यालयों का नाम है और उनके प्रत्येक विद्यालय पर धनराशि भी वहाँ से भेजी गई कि उसको SMC के खाते में डाल दी जाए और उसके अनुसार SMC के द्वारा उसको नया भवन निर्मित किया जाए पुराने भवन को गिरा करके। इस श्रृंखला में हम जब आए हैं तो इस रिपोर्ट को देखने पर फिर आदेश आया कि तत्काल जर्जर भवनों को गिरा दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। क्योंकि हमारे पास रिपोर्टेड थे इसलिए उन भवनों को, जर्जर भवनों को गिराने का आदेश नीलामी करके और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए गिराने का आदेश दिया गया है और उसमें उनके SMC के खाते में वो पैसे हस्तांतरित कर दिए गए हैं जिन पैसों से उस नई बिल्डिंग का निर्माण होना है। शुरुआत तो पहले से हो चुकी। हमारे चरखारी ब्लॉक में 3 विद्यालय जो है वो नीलामी की प्रक्रिया से गुजर करके उनको ध्वस्त किया जा चुका है। उसी तरह से कबरई में भी हमारे जो विद्यालय थे उसमें से 3 विद्यालय वह भी जर्जर विद्यालय ध्वस्त किए गए हैं और उनके लेआउट और निर्माण की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। आज पनवाड़ी ब्लॉक में जो जर्जर विद्यालय रिपोर्टेड है उसको नीलामीकरण करके और उसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। चूँकि उनके SMC के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं इसलिए ध्वस्तीकरण के बाद उसका तत्काल निर्माण कराया जाना है और उसकी रिपोर्ट भी परियोजना को भेजी जानी है कि जो जिस विद्यालय के नाम से पैसा आया है उसी विद्यालय पर वह खर्च किया जा सकता है उसके निर्माण पर, अन्यथा उस पैसे को शासनादेश में जो विहित प्रावधान है उसके अनुसार परियोजना को वापस कर दिया जाना है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।